हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे लिस्ट की, सॉरी फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन के अंदर हमने कई सारी चीज़ें देखी कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इनबिल्ट फंक्शन क्या क्या होते हैं। हम इनबिल्ट फंक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपको किसी तरह कोई डाउट ना हो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ओके, नाउ इनबिल्ट फंक्शन की बात कर रहे थे। तो इनबिल्ट फंक्शन में अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ फंक्शंस हमने फिल्टर तक के फंक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ओके, फॉर्मेट तक के। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, जो एक इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज लेंथ। लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, कितनी लेंथ है उसको रिटर्न करना। कैसे, विद एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल साथ अगर हम बात करें, कंट्रोल एंड न्यू फाइल बना लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा str इज इक्वल टू abcd। ओके, कुछ भी ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट लेन ऑफ str। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, डेस्कटॉप पर ही प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। 1.2 तक है तो भाई 0.3 कर देते हैं इसको, 0.3.py। ओके, प्रोग्राम को रन कराएं। 4, आपने देखा आउटपुट आपको क्या मिला, आउटपुट आपको 4 मिला है। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, आई होप सबको क्लियर होगा। तो आपने आउटपुट क्या देखा, 4 एलिमेंट्स आपने कितने लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, इसलिए मुझे आउटपुट क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने लेंथ है, उसकी लेंथ क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको चेक करने के लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन हमारा आता है लिस्ट। लिस्ट का काम होता है एक लिस्ट को क्रिएट करना। लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बहुत बातें की हैं, फंडामेंटल में भी लिस्ट के बारे में बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ, उसके फंक्शंस क्या क्या चीज़ें हैं होती हैं लिस्ट के अंदर, ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप सबको वो चीज़ें क्लियर होंगी। और लिस्ट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं कोई ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे कोई ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, कैसे, विद एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया प्रिंट लिस्ट। ओके, नॉर्मल। ये जो लिस्ट फंक्शन आपने लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा। ओके, कैसे, अब एलिमेंट्स देखते हैं। str इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी मैंने ले लिया, abcdef। नाउ प्रिंट, अब ये स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट को लिस्ट के साथ स्टोर करना है या लिस्ट के साथ डिस्प्ले कराना है, तो लिस्ट ऑफ str, डायरेक्ट लिस्ट ऑफ str। ठीक है, देखते हैं आउटपुट इसका, सेव किया इसको, रन करते हैं इसको, देखिए थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको फिर से, लाइक दिस। देखिए ये पहला जो आपका बताया, ये क्या होता है, ये इंडिकेट करता है एम्प्टी लिस्ट को, ये एम्प्टी लिस्ट है। उसके बाद हमने जो स्ट्रिंग लिखा था, स्ट्रिंग को लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कराया, तो लिस्ट ये ए बी सी डी ई एफ। ठीक, लिस्ट आपको पता है लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में लिस्ट ऑर्डर प्रिजर्व होता है, उसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट आप जिस ऑर्डर में दोगे उसी ऑर्डर में वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और क्या यूज है, मान लो मैंने एक टपल बनाया हुआ है, टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब टपल को आप स्मॉल ब्रैकेट में डिस्प्ले कराते हो, ये सबको पता है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब इसको मैंने लिस्ट के साथ डिस्प्ले कराना है, तो लिस्ट ऑफ टी। ओके, t is equal to this print list of t। okay, save किया इसको, save करके run कराते हैं, like this। तो जो tuple के elements थे आपके, वो क्या हो गए, वो आपके list के form में display हुए। ठीक है, tuple होता, tuple हमेशा small bracket में display होता है, list हमेशा square bracket में display होता है। तो आपने data तो tuple का लिखा, लेकिन वो display किस में हो रहा है, list में हो रहा है। okay, I hope सबको ये clear होगा, किसी कोई doubt नहीं होगा। इन शॉर्ट बस ये याद रखिए, अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है एम्प्टी लिस्ट, तो उसके लिए हम लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आता है मिन फंक्शन। मिन यानी मिनिमम,
किसी भी एलिमेंट में मिनिमम डिस्प्ले कराने के लिए हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। हाउ, आइए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया d1, डेटा 1, d1 इज इक्वल टू मिन ऑफ 12, 14, 10, 30, 50। ओके, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। d1 इज इक्वल टू मिन ऑफ दिस, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं d1 को। प्रोग्राम को सेव किया। अब आप यहां पे अगर देखोगे तो मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 10, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। चेक द आउटपुट, 10, ठीक है। तो मिन फंक्शन यूज होता है मिनिमम वैल्यू के लिए। आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बात की थी, ठीक है। फंक्शंस इनबिल्ट बहुत सारे हैं और हर एक फंक्शन को बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने भी यूजफुल फंक्शंस हम पाइथन में यूज करते हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी आप एक बार जब चेक करोगे पाइथन के फंक्शन के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और हर फंक्शन उसी तरीके से यूज होता है, एक ही तरीके से हर फंक्शन यूज होता है, जो तरीका आपको मैं प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो अगर कोई और फंक्शन अगर आपको दिखता है जो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर, तो आप उसको खुद से देख सकते हो, खुद से उसके प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेट। सेट फंक्शन, सेट फंक्शन क्या होता है? सेट फंक्शन होता है सेट को क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए सेट फंक्शन ही यूज होता है, ठीक है। अगर आप सेट फंक्शन नहीं यूज करोगे तो आप एम्प्टी सेट नहीं बना सकते। इसके बारे में हमने ऑलरेडी सेट की वीडियो में बात की है, आप फंडामेंटल की वीडियो देखो जहां पर मैंने सेट्स को बताया हुआ है, तो उसमें आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि वाई सेट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको भी। मान लेते हैं मैंने लिया R इज इक्वल टू सेट, ये क्या है, एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ R1 इज इक्वल टू सेट 12, ठीक है, कुछ भी हमने कोई भी नंबर दे दिया, या मान लो हम इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। ओके, एक और ले लेते हैं R3, R3 इज इक्वल टू सेट ऑफ, कोई आप कैरेक्टर दे दो, मैंने ये नाम दे दिया अपना। ओके, नाउ अब रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हैं वन बाय वन। प्रिंट R, कॉपी कर ले, आसान तरीका है, कॉपी कर सकते हो आप R1 R2। प्रोग्राम को सेव किया। अब देखते हैं आउटपुट, भाई कैसा आउटपुट आता है इसका। हाँ जी, सेव कर दिया है। ओके, दिस, अब यहाँ पे आप देखिए R2S कोई और, सॉरी सेव कर दिया प्रोग्राम को, रन कराया। अब देखो R2 नेम R2 ना, जो ऊपर के देखिए एम्प्टी सेट और 102 तो क्लियर है, ठीक है। R3 लिया हुआ था, R2 कहां से देखा, माय मिस्टेक, सेव किया। अब तो आ जाओ एग्जैक्टली, देखिए यहां पर पहला आपका आउटपुट मिलता है एम्प्टी सेट का, दूसरा जो मैंने 12 दिया था स्ट्रिंग फॉर्म में उसने उसको क्या किया, सेट के फॉर्म में कर दिया अलग अलग, ठीक है, ये भी एक फीचर है सेट का। और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में नाम दिया था ANSHUMAN, आउटपुट तो ये सेट में दे रहा है लेकिन ऑर्डर नहीं है, ऐसा क्यों, क्या ये गलत आउटपुट है? जी नहीं, ये आउटपुट सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सेट में ऑर्डर नहीं होता, या सेट जो है वो ऑर्डर को प्रायोरिटी नहीं देता, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। तो जो ऑर्डर है आपके एलिमेंट का वो इधर उधर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, सेट की प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। दूसरी चीज, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, और तीसरी चीज, ऑर्डर नहीं होता तो आप इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए सेट की वीडियो जरूर देखें। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा।
बेसिकली यहाँ पर बताने का मेरा मतलब था, सिर्फ मैं सेट फंक्शन के बारे में आपको बता सकूँ कि क्या वो होते हैं। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका हेक्स फंक्शन। अब देखिए, हेक्स यानी हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है, किसी भी नंबर को, इंटीजर नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, ये तीनों मैंने नंबर सिस्टम के ये तीन पार्ट हैं जिनको मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है डेटा टाइप के अंदर, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। उसमें किसी भी एक डेटा टाइप को, किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे ही फंक्शंस का यूज करते हैं। इंटीजर के लिए इंट यूज करते हैं, बाइनरी के लिए बिन यूज करते हैं, ऑक्टल के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, तो हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें हम आगे काम करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, ये बताया हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लें। मान लो मैंने लिया R इज इक्वल टू एच ई एक्स, हेक्स ऑफ वन, ठीक है, हेक्स ऑफ वन यानी वन का हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, एक और ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू, सॉरी, R1 इज इक्वल टू हेक्स ऑफ, मान लो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 325, 325, ओके, यानी ये हमें क्या देगा, ये हमें 325 का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्रिएट करेगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू ये हमें बताएगा, प्रिंट R, प्रिंट R1। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, जो भी आप नंबर दोगे हेक्स फंक्शन उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट देखते हैं। देखिए 0x1, भाई 1 का नंबर, 1 का जो नंबर है, 1 जो है 1 का बाइनरी 1 होता है, ऑक्टल भी 1 होता है, हेक्साडेसिमल भी 1 होता है। ठीक है, हाँ, हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो 0x लिखते हैं, ऑक्टल के लिए 0o लिखते हैं, बाइनरी के लिए 0p लिखते हैं, ये आपको एक बार वो वीडियो देखनी होगी। ठीक है, और तो 1 का तो भाई 0x1 आ गया, नो प्रॉब्लम। और जो यहाँ पे 325 है, 325 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देखो 0x145, आप चेक करके देख लेना, 325 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे कैसे करेंगे, 16 से डिवाइड करके, सॉरी 16 से मल्टीप्लाई करके, या जो भी उसका प्रोसेस हो नंबर सिस्टम का, वो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जब उसको आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट द आउटपुट 145, और हेक्साडेसिमल है इसीलिए 0x आगे इसके लगता है। ओके, तो ये यूज है हेक्स फंक्शन का, कि हेक्स फंक्शन कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आईडी फंक्शन, आइडेंटिटी के लिए मैंने डेटा टाइप में मैंने जहां भी जो भी चीज बताई, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, हर जगह मैंने आईडी वर्ड यूज किया हुआ है, आईडी फंक्शन यूज किया हुआ है, जो जिसका काम होता है कोई एक एड्रेस बताना, एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बताना। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया v इज इक्वल टू आईडी ऑफ एबीसीडी, ठीक, ये मैंने स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें इसकी आईडी चाहिए। ओके, v1 इज इक्वल टू आईडी ऑफ 1290, नंबर दे दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, हमें आईडी को प्रिंट कराना है, आईडी तो हम दे ही रहे हैं हर जगह, अब मुझे उसको डिस्प्ले कराना है कि क्या आउटपुट आएगा इसका। अब देखिए, आईडी ऑफ एबीसीडी, तो आउटपुट जो आपको मिलेगा वो एबीसीडी नहीं मिलेगा, या 1290 नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा इनका एड्रेस, यानी इनकी आईडी, इनकी लोकेशन। ये देखिए दिस, ठीक है, ये इसका एड्रेस है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, उसका एक यूनिक आईडी ये यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। ठीक, इन केस, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, मान लो मैंने v इज इक्वल टू, v मैंने वही लिया हुआ है, मैंने एबीसीडी की जगह पे मान लो MNOP कर दिया। देखिए वेरिएबल वही है, ठीक है, वेरिएबल वही है, मैंने सिंपल उसका वैल्यू, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो मैंने बदल दी। अब देखते हैं आउटपुट,
ध्यान रखें v इज इक्वल टू आईडी ऑफ एबीसीडी। v एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर था वैल्यू एबीसीडी, मैंने उसको चेंज कर दिया एमएनओपी दे दिया, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए पहले v की वैल्यू 2768 थी, ठीक, लेकिन जब मैंने v को सेम कंटेन किया बस उसकी वैल्यू बदल दी तो उसका आईडी यानी उसकी आइडेंटिटी भी क्या हो गई, बदल गई। ऐसा क्यों? ये पाइथन का फीचर है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है कि वेरिएबल के अंदर जब भी आप ऑब्जेक्ट को बदलोगे तो उसका एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन हमारा आता है सॉर्टेड। देखिए सॉर्टेड जो है वो सॉर्ट करने के लिए यूज होता है, जो एलिमेंट हम देते हैं वो सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। कैसे, आइए विद एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया str इज इक्वल टू अंशुमान, ठीक है, str इज इक्वल टू अंशुमान प्रिंट। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं सॉर्टेड ब्रैकेट में str, यानी इसका सॉर्टेड फॉर्म। ओके, सेव किया, रन कराया। देखिए ए एच एम एन एन एस यू असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो गया, क्रिएट हो गया, यानी जो इंग्लिश डिक्शनरी में जो वैल्यू सबसे पहले आती है, जो अल्फाबेट सबसे पहले आता है, ये इसको सबसे पहले डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा कि मैंने ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है, लेकिन हम इसको डिसेंडिंग में कैसे करेंगे। मान लो मुझे आउटपुट चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो सबसे पहले आए। जैसे आपने देखा ए ए यू लास्ट में आ रहा था, हमें आउटपुट ऐसा चाहिए कि यू पहले आए और ए ए लास्ट में आए। तो ये आप देखेंगे कि कैसे होता है। अगर इसके प्रोग्राम आपने कर लिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि हाँ ये हो गया, नहीं हुआ तो भी कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि ये नहीं हुआ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नाउ पावर, पावर फंक्शन, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पावर फंक्शन पाया जाता है, सो इन पाइथन टू। पाइथन के अंदर भी पावर फंक्शन पाए जाते हैं जो एक्स के पावर वाई के रिजल्ट को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट लिखते हैं, कोई वेरिएबल नहीं दे रहे, 4,3 डायरेक्ट प्रिंट पीओडब्ल्यू ऑफ 4,3 यानी 4 के पावर 3, 4 × 4 × 4 64, 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 16, 16 × 4 64। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, आई होप सबको क्लियर होगा। हाँ, इनकेस अगर आप नेगेटिव नंबर देते हो, मान लो मैंने यहाँ पर माइनस दे दिया, ठीक है, -4 के पावर 3 कर दिया, आउटपुट क्या आएगा, -64। यानी कोई एरर शो नहीं करेगा, ये आपको आउटपुट बताएगा। ठीक है, आउटपुट आपका ये कंफर्म बताएगा। यहाँ पे भी अगर आप माइनस कर दोगे तो -4 पावर -3 ये डेसिमल में फ्रैक्शन में नंबर जाएंगे, -0.15625 जो भी हो। ठीक है, ये इस तरीके से आपको आउटपुट शो करेगा, लेकिन आपको आउटपुट मिलेगा, किसी तरह का कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। फिर आता है आपका रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, रेंज डेटा टाइप है एक तरह का, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात की हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। रेंज फंक्शन यूज होता है रेंज को क्रिएट करने के लिए, एक रेंज बताने के लिए। ठीक है, कैसे, विद एग्जांपल देखो। प्रिंट, एक हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट को हम रेंज रेंज के थ्रू डिस्प्ले कराते हैं। रेंज, सॉरी, प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज 0। भाई 0 का मतलब क्या है, कोई नंबर नहीं है, है ना, देखते हैं। ओके, फिर से प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 4, ये भी देख लेते हैं।
print list of range of 1, 6. ओके, तीनों देखते हैं आउटपुट क्या आएगा. रेंज फंक्शन का यूज है सिर्फ, नथिंग एल्स. देखिए, जीरो हमने यहाँ पे नंबर जीरो दे रखा है तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये आपका एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. अब हम फोर दे रहे हैं रेंज, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेंज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, और ये जो 4 दिया है वो 4 तक जाता है. ओके, तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये 4 है आपका इंडेक्सिंग. अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 एलिमेंट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया 0 से. और रेंज ऑफ 1, 6, ये 1 जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 जो है वो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी 1 से लेके 6 तक. और जब भी आप 4 1/6 प्रोग्राम में जब देते हो ना, तो ये क्या होता है, ये इंडेक्सिंग को बताता है कि भाई इतने नंबर, इतने इंडेक्स मुझे चाहिए. तो 1 से लेके 6 तक यानी नंबर कितने होंगे आपके, 5, 0 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, एक कम एक माइनस. और अधिक जानकारी के लिए रेंज की वीडियो देखें जो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताई हुई है फंडामेंटल के अंदर. ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट आता है आपका राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन फ्लोटिंग नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, फ्लोटिंग नंबर नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज करते हैं. कैसे, आइए विद एग्जांपल देखते हैं. प्रिंट राउंड ऑफ 10, बट 10 का राउंड क्या होगा, 10 फ्लोटिंग पॉइंट तो है नहीं, ठीक है, तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक है. एक और ले लेते हैं, प्रिंट राउंड ऑफ 10.88, ठीक है, तो ही करते हैं. देखिए, आइए राउंड ऑफ करेगा 10 और 11, 10 राउंड ऑफ क्या होता है, 10 ही रहेगा. ओके, और 10.88 को राउंड ऑफ उसने क्या कर दिया, 11 कर दिया, यानी एक बढ़ा दिया. इन केस अगर यहाँ पर 10.18 रहता, 10.18 रहता तो आउटपुट क्या आता, देखिए 10, वही पुराना मैथ वाला कॉन्सेप्ट कि अगर फ्रैक्शन के बाद नंबर आधे से ज्यादा है, यानी 5 से ज्यादा है, तो क्या करेगा वो उसको अगली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और अगर लेस देन 5 है तो वो प्रीवियस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. 10.18 नियरेस्ट क्या है, राउंड ऑफ नंबर 10. 10.8 नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर क्या है, 11. ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा. बाकी और भी इसके फंक्शंस होते हैं राउंड ऑफ करने के लिए या राउंड ऑफ के अलावा भी, ठीक है, वो एक बार आप लोग तो जरूर देखें. ओके, नेक्स्ट रिवर्स्ड. ओके, रिवर्स्ड यानी जो भी आपने वैल्यू दी हुई है, जो भी आपने इटरेटर दिया हुआ है, वो उसको रिवर्स डिस्प्ले करने के लिए, यानी कैरेक्टर को रिवर्स डिस्प्ले करने के लिए हम रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं. हमने अभी सॉर्टेड देखा था, सॉर्टेड में ये सॉर्ट करेगा, रिवर्स में ये क्या करेगा, उसका उल्टा डिस्प्ले करेगा. कैसे, देखिए, प्रिंट रिवर्स्ड A, B, C, D, E, F, जो भी ले ले, ठीक है, आइए सेव किया, रन कराया, रिवर्स ऑब्जेक्ट देखिए, देखिए इस तरीके से आपको ये क्या करेगा, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. या थोड़ा सा और अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं, S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. प्रिंट रिवर्स्ड ऑफ एस, सेव किया, रन करते हैं, ये देखिए ये कौन सा नंबर है, ये किस तरीके का नंबर है, भाई रिवर्स कर रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई गलत आउटपुट नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले किस तरीके से हो रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. आप इसको देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है और ऐसा क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ये
देख के अगर आपको समझ आता है, सही समझ आता है, प्रैक्टिस इसकी करिए। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। लिस्ट रिवर्स इटरेटर ऑब्जेक्ट दिस 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 ओके। आई होप सबको ये क्लियर होगा। इतना एक बार ये जरूर बताएं कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। कुछ चीजें आपके लिए भी मैं छोड़ रहा हूँ ओके। तो रिवर्स फंक्शन के बारे में हमने बात की नाउ। तो ये हमारे पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि और भी हैं फंक्शन, लेकिन सबको बता पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप जितने फंक्शन आपको अगर मिलते हैं तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको रिजॉल्व करते हैं ओके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अब हम पाइथन फंक्शन की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लैम्डा फंक्शन की, उसके बाद एनोनिमस फंक्शन की, जो कि एनोनिमस फंक्शंस और लैम्डा फंक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मैंने लैम्डा फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी बहुत स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, तो हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन की और एनोनिमस फंक्शन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आपको होती है तो ओके। सो ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।